हेलो फ्रेंड्स, हम स्वाति सिंह। हम अपनी ये वीडियो पे बात कर रहे थे, मोटिवेशन एंड लर्निंग की वीडियो चल रही थी हमारी। प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं आप, उसमें मोटिवेशन के बारे में मैंने ऑल ओवर सारा डिस्कस कर ही लिया है कि साइकिल क्या होता है, मोटिवेटर्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, आपकी टेक्निक्स क्या होती हैं। और उसके बाद हमने मैसॉल की थ्योरी भी डिस्कस करी थी, जिसके 5 स्टेप थे, जो एक हिरार्की थ्योरी है मोटिवेशन की, जिसमें 5 स्टेप्स के अंदर मैसॉल ने डिवाइड किया था। और वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपकी मोटिवेशन के लिए। जो PRT और TGT के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं PGT के लिए बात नहीं कर रही उसमें, क्योंकि PGTs के लिए क्या है, मोटिवेशन समझना इट्स इनफ फॉर दैट, क्योंकि उनको इतना ही पता होना चाहिए कि जो आपका मोटिवेशन है वो क्या है और आप कैसे कैसे किस रूप में बच्चे को मोटिवेट कर सकते हो, राइट। लेकिन जो थ्योरीज हैं वो आपसे पूछ भी सकते हैं या नहीं भी पूछ सकते, वो तो आपके एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर आता है, एग्ज़ाम जो आपका सेट कर रहा है उसके ऊपर है। क्योंकि कई बार आपने नोटिस खुद भी किया होगा, मैंने किया है, मैंने जो लास्ट ईयर्स जो क्वेश्चन पेपर्स देखे थे कि थ्योरीज वगैरह और जो मेथड्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं, पूछ लेते हैं उठा के, क्योंकि वो सारी पेडागोजी और आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये सारा पेडागोजी के अंदर आपको आता है। मैंने जब पहले अपनी साइकोलॉजी की जब क्लासेस ली थी, कुछ जो ली हैं अभी तक और बाकी रह गई हैं तो उनको भी कंप्लीट करेंगे साथ के साथ, तो उसमें मैंने आपको बताया था दोनों में डिफरेंस। अगर नहीं भी मैंने बताया हो तो मैं अभी आपके इसको बता देती हूँ इसमें कि साइकोलॉजी क्या है और पेडागोजी क्या है। साइकोलॉजी में आपको बच्चे को समझने की ज़रूरत होती है, मतलब आपको साइकोलॉजी इसलिए पढ़ाई जाती है कि आप बच्चों को जान सकें कि बच्चे कब किस स्टेज पे डेवलप करते हैं, उनके अंदर कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं, कौन कौन से चेंजेस होते हैं, किस एज में वो कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या क्या इमोशंस होते हैं, क्या क्या फीलिंग्स होती हैं, ताकि अगर आप बच्चों को जान पाएंगे तभी तो आप बच्चों को समझते हुए उनको ट्रीट कर पाएंगे ना। अगर आप कुछ जान ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे, तो आप बच्चों को ट्रीट कैसे करेंगे, ठीक है। वो होती है आपकी साइकोलॉजी। और आपकी पेडागोजी क्या होती है, पेडागोजी के अंदर हमारी टेक्निक्स, स्किल्स और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपने फर्स्ट तो साइकोलॉजी पढ़ के ये चीज़ जान ली कि बच्चे हैं क्या, बच्चे किस किस रूप में डेवलप्ड होते हैं। लेकिन सेकंड पेडागोजी में आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं कि आप किन किन मेथड से, किन किन स्किल्स से, किन किन टेक्निक्स के द्वारा क्या है बच्चों की लर्निंग करवा सकते हैं, इस रूप में कि वो चाइल्ड सेंटर्ड हो, प्रोग्रेसिव लर्निंग हो और बच्चों की इफेक्टिव इंटरेस्टिंग लर्निंग क्लासरूम के अंदर हो सके आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो होती है आपकी पेडागोजी, जिसके अंदर आपको सारी ये स्किल्स और टेक्निक सिखाई जाती हैं। तो उसी के अंदर हमारा मोटिवेशन आता है कि आप बच्चे को किस टेक्निक्स के द्वारा मोटिवेट कर सकते हो। तो जो मैंने टेक्निक्स आपको मोटिवेशन की बताई थी उसके अंदर हमने बात करी थी कि आप बच्चे की लर्निंग करवाने के साथ साथ उसको मोटिवेट भी कर सकते हो इन इन टेक्निक्स के द्वारा। अब आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि मोटिवेशन क्या है, कितने टाइप के मोटिवेशन होते हैं, फिर ये पता होना चाहिए कि आप उस बच्चे को कैसे मोटिवेट कर सकते हो। वो सारा कुछ हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है, आप वो वीडियोज़ चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी सेकंड और थर्ड थ्योरी रिलेटेड आपकी मोटिवेशन से, ठीक है। सेकंड और थर्ड थ्योरी, अब सेकंड थ्योरी है हमारी मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जो हमारे मैकड्यूगल ने दिया है, ठीक है। जो फर्स्ट थ्योरी बताई थी हिरार्की थ्योरी, वो मैसॉल की थी। सेकंड थ्योरी है आपकी मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जो आपके मैकड्यूगल ने बताई है, यानी कि इंसेंटिव थ्योरी आपकी, ठीक है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानने की मतलब मैं आपको बता देती हूँ पहली बात तो, कि मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ वो चीज़ होती हैं जो आपकी जन्मजात होती हैं, मतलब आप अपने जन्म से, जब आपका बर्थ होता है, बाय बर्थ लेके पैदा होते हैं, मतलब मूल प्रवृत्तियाँ आपकी वो होती हैं। पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको जो मैसॉल की थ्योरी के अंदर फर्स्ट पॉइंट बताया था, साइकोलॉजिकल जो था हमारा, साइकोलॉजिकल जो पॉइंट था
उसमें क्या था, शारीरिक क्रियाओं पे बेस था जो मिसॉल ने आपको दिया था कि आपको शारीरिक क्रियाओं के रूप में आपको क्या है चीज़ें मिलती हैं जिसके लिए आप उन काम को करने के लिए मोटिवेट होते हो। सेम सिमिलर आपकी मैकड्यूडल की थ्योरी है जिसको मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कहा है। इसके अंदर क्या है कि जितनी भी आपकी मूल प्रवृत्तियाँ होती है जो आप जन्म जात होती है या आप बाय बर्थ लेके पैदा होते हो, उन चीज़ों को पूरी करना यानी कि उनकी नीड्स को पूरी करना ही आपकी मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है। मीन्स आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है और आपको नींद आ रही है, ये सारी क्या है आपकी मूल प्रवृत्ति है। मतलब आपको बाय बर्थ आप ये सारी चीज़ें क्या है लेके पैदा होते हो, आपको कोई सिखाता नहीं है, आपके पेरेंट्स आपको नहीं बताते, आपकी टीचर्स आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताते। तो मैकड्यूडल ने बोला था कि जब बच्चा अपनी मूल प्रवृत्तियों की शांति के लिए कोई काम करता है तो वो अपने आप में ही क्या होता है किसी भी काम को करने के लिए रेडी होता है, और जब बच्चा रेडी होगा तो उसको वहाँ पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, उसका एप्टीट्यूड भी मिलेगा और वहाँ पे मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारे मैकड्यूडल के अकॉर्डिंग उसकी मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जिसके अंदर लाइक ऐसे हो सकता है कि इमोशंस होते हैं आपके। तो इमोशंस क्या है, आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं, आपको कब कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है ये पता होना चाहिए, कब अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है वो पता होना चाहिए। आप दुखी हो तो आपको आंसू आएंगे, रोना आएगा, आपको फेस पे सैडनेस आएगी, आपके एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, और वैसे ही अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो तो खुशी जाहिर करोगे, तब आपके खुशी वाले एक्सप्रेशन आएंगे, हंसी निकलेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी जन्म जात होती है, मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, आपकी बाय बर्थ होती है कि आपको किसी के अकॉर्डिंग चीज़ें ये सीखनी नहीं पड़ती हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ें जैसे मैसॉल ने अपने फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपके लिए प्राथमिक आवश्यकताएं या साइकोलॉजिकल नीड्स बताई थी, तो उसी को मैकड्यूडल ने क्या किया, एक मूल प्रवृत्ति के रूप में, एक और थ्योरी के रूप में निकाल दिया। इसमें क्या होता है कि मानव व्यवहार पर आधारित होती है। ऑफकोर्स सी बात है कि अगर आपकी कोई भी नीड है वो आपके बिहेवियर पे डिपेंड करती है ना। अगर आपको भूख लगी है तो जब तक आप उठोगे नहीं, किचन तक नहीं जाओगे, खाना नहीं बनाओगे, तो आप अपनी भूख कैसे शांत करोगे। तो वो क्या है, ऑल ओवर आपके बिहेवियर पे डिपेंड करती है आपकी मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। और सेकंड चीज़, आपके लिए इमोशंस आ रहे हैं या किसी के लिए फीलिंग्स हैं, लव वाली फीलिंग्स हैं या फिर आप बहुत सैड हो, खुश हो, ये वाली फीलिंग्स हैं, तो वो भी क्या है, ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करती है। आपका एकदम से ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो जाता है, आपको कोई ऐसी चीज़ है कि आपको चाहिए और वो एकदम से आपको मिल जाए तो क्या होगा, आपका एकदम से ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो जाएगा ना, आप एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, हैप्पीनेस आ जाएगी। वहीं पे क्या है, सैडनेस आ जाएगी अगर आप बहुत कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है। तो आपके ये ऑल ओवर क्या है, आपके ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करती है आपकी मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है। ठीक है, इसमें थर्ड तीन पॉइंट बताए थे मेन मैकड्यूडल ने। पहला था ये जन्मजात होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, आपकी फर्स्ट नीड्स होती हैं, प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, वो आपको किसी से सीखनी नहीं पड़ती, तो वो आप बाय बर्थ क्या है लेकर पैदा होते हो और उसी के अकॉर्डिंग अपने ह्यूमन बिहेवियर में चेंज करके उससे रिलेटेड जो भी आपकी नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको अचीव करने के लिए आप मोटिवेटेड होते हो। ठीक है, सेकेंड इन्होंने बताया था कि ये प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है और सब में अलग अलग होती है। सीधी सी बात है, जब हम इंडिविजुअल होते हैं आपस में, मतलब सब में क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो आपकी नीड्स भी क्या होंगी, इंडिविजुअल ही रहेंगी। शायद मेरी नीड कुछ और हो, किसी और की नीड कुछ हो, लेकिन जो आपकी फर्स्ट नीड होती है, जो आपकी प्राथमिक आवश्यकताएं होती है, प्राइमरी नीड्स, वो क्या होगी, वो सबकी सेम रहेगी। सभी को भूख लगती है, सभी को प्यास लगती है, नींद भी सभी को आती है, ये सारी चीज़ें। ऐसा तो नहीं है ना कि केवल आप ही खाना खाते हो, बाकी बच्चे खाना नहीं खाते, वो सारी क्या है प्राइमरी नीड्स है, वो काम तो सभी करते हैं ना। तो उसके बाद जो है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि व्यक्ति के अनुसार अलग अलग पाए जाते हैं, मतलब हर किसी व्यक्ति की क्या है अपनी नीड्स होती है। हर किसी को ज़रूरी नहीं है डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर भी बनना होगा, तो उसकी क्या हुई वहाँ पे वो अलग नीड हो गई, तो उसको अचीव करने के लिए क्या करेगा, वो अलग तरह से मोटिवेट होगा, कोई बच्चा अलग तरह से मोटिवेट होगा, किसी का कोई और आइडल होगा कि सचिन तेंदुलकर मेरा आइडल है,
कि मुझे क्रिकेटर बनना है, तो वहाँ पे वो सचिन तेंदुलकर को आइडल मान के उस हिसाब से मोटिवेटेड होगा उसको देख देख कर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, इंडिविजुअली डिफरेंसेस पे भी आपकी डिपेंड करती हैं कि बच्चे में के अंदर जो व्यक्तिगत भिन्नताएँ पाई जाती हैं प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग भी होती हैं, लेकिन सिमिलैरिटीज़ ये होती है कि सभी व्यक्तियों में होती है, मतलब सभी लोगों में होती ही होती है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के अंदर कोई नीड ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है कि उसको अचीवमेंट करनी है, किसी भी फील्ड में करे वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन नीड्स तो सभी की होंगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट दिया था, ये व्यवहार को प्रेरित करती है, मतलब जो आपके बिहेवियर होता है उसको मोटिवेट करती है। अगर आपकी कोई नीड है उसको पूरी करने के लिए आप क्या होंगे, अपने बिहेवियर में चेंज करेंगे। क्लासरूम के अंदर मान लीजिए कि किसी बच्चे को टू की टेबल नहीं आती है, ठीक है, तो उनको क्या किया, आपने टीचिंग करी, आपने बच्चे को सिखाया कि चलो मैं इस मेथड से नहीं तो चलो शॉर्ट ट्रिक मेथड से आपको समझाने के लिए ट्राई करती हूँ ताकि आप सीख जाओ। तो बच्चे ने क्या किया, वहाँ पे एफर्ट्स किए, लर्निंग करी, सीखा, देन अपने बिहेवियर में चेंज किया, अपने आप को एक्टिव रखा ना वहाँ पे सीखने के लिए। अगर वो एक्टिव ही नहीं होगा, सुनेगा नहीं प्रॉपर, ध्यान से समझेगा नहीं प्रॉपर, तो वो क्या होगा, उसको फिर से टू की टेबल नहीं आएगी। तो इसीलिए जब उसने एक्टिव रहा, अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए ट्राई किया कि नहीं मुझे सीखना है इस चीज़ को, तो उसने क्या किया, लास्टली लर्निंग करके टू की टेबल जो थी उसे लर्न हो गई। तो उसने लास्ट में क्या किया, अपने बिहेवियर में एक तरह का चेंज कर लिया, उसने अपने आप को मोटिवेट किया था, सेल्फ मोटिवेशन था वहाँ पे कि मेरे को टू की टेबल नहीं आती है तो मेरे को सीखना है, तो वहाँ पे उसने अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड किया, ठीक है। तो इसके बाद मतलब ये वाली जो थ्योरी है मैकडूडल की, एक और चीज़ की इसमें बोला था कि जिस किसी भी चीज़ के लिए जब बच्चा कोई भी काम करता है तो जब उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं उनको पूरी करता है, तो दो काम बच्चे के साथ हो सकते हैं हमारे मैकडॉनल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये चीज़ें हो सकती हैं कि बच्चे के अंदर जैसे ही किसी चीज़ की नीड उत्पन्न होती है, मतलब किसी चीज़ की आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो या तो उस चीज़ को अचीव करने के बाद वो शांत हो जाती है, उसके बिहेवियर में आ जाता है, या फिर अगर उस चीज़ के लिए उसे वो चीज़ नहीं मिलती है, अचीवमेंट नहीं मिलती है, अनसक्सेसफुल होता है, तो वो क्या है, डिप्रेशन में भी आ सकता है, तनाव में भी आ सकता है। तो वहाँ पे बच्चे का इस रूप में बिहेवियर चेंज होता है कि बच्चा मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे आज़ाद होने के लिए वो किसी ना किसी तरह के की बिहेवियर करता है। अब अगर मान लीजिए किसी बच्चे के साथ कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई कि उसको टेंथ में पास होना था, उसने मेहनत भी करी लेकिन वो टेंथ में क्या हुआ, फेल हो गया, या इतने अच्छे मार्क्स अचीव नहीं कर पाया कि उसको साइंस आई चाहिए थी तो वो उसे मिलती, तो वो बच्चे ने क्या किया, वो डिप्रेशन में चला गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना था, मोटिवेट होकर कि आपको अपने बिहेवियर में चेंज करना था। बच्चे ने थोड़ी देर अपने आप को अकेला छोड़ दिया, अपने आप को रूम में बंद कर लिया, थोड़ी देर रोने लग गया, या फिर किसी से डिस्कस करके अपनी प्रॉब्लम शेयर की, किसी ने उसको गाइड किया कि अब जो हो गया ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम मेहनत करो और अच्छे मार्क्स लेके आओ। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब बच्चे के साथ ऐसी फीलिंग्स हो जाती है डिप्रेस वाली या हैप्पीनेस वाली, तो वो किसी ना किसी टाइप का बिहेवियर करता ही करता है ताकि उस चीज़ से वो आज़ाद हो सके, उसको फ्रीडम मिल सके। तो वो अपने इमोशंस को फ्री करने के लिए भी कोई ना कोई किसी ना किसी टाइप का बिहेवियर आपके सामने रिएक्ट करेगा ही। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा खुश भी है ना, तो जब तक वो अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर लेता, जाहिर नहीं कर लेता हैप्पीनेस के थ्रू, तब तक क्या है, उसको चैन नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही जब तक बच्चा अपसेट है तब तक वो ये सारी चीज़ें नहीं कर लेता, तब भी बच्चा क्या है, डिप्रेशन में रहेगा, ठीक है। ये थी हमारी मैकडूडल की थ्योरी, जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत था, जो हमारी बेसिक नीड्स और साइकोलॉजिकल नीड्स पे डिपेंड थी, जो हमारी प्राइमरी नीड्स होती हैं कि बच्चे वो बाय बर्थ लेके पैदा होते हैं, आपको किसी के द्वारा, टीचर्स और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के द्वारा सिखाई नहीं जाती, ठीक है। उसके बाद आता है हाइजेनिक मोटिवेशन थ्योरी, अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत। अब इसके ये किसने दिया, ये फ्रेडरिक हेरल्सबर्ग ने दिया है। अब हेरल्सबर्ग ने क्या कहा था, जो फ्रेडरिक थे उन्होंने बेसिकली जो हाइजेनिक मोटिवेशन थ्योरी थी ना, उन्होंने टू पार्ट्स में डिवाइड की, पहली तो हाइजेनिक, दूसरी थी मोटिवेटर्स।
अब हाइजेनिक और मोटिवेटर्स में क्या था, उन्होंने कुछ सब पॉइंट्स रखे थे। हाइजेनिक में उन्होंने कहा था कि इस प्रकार के कारक में वातावरण की महत्ता सबसे ज़्यादा होती है, मतलब स्वास्थ्य जो है हाइजेनिक, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट था आपका हाइजेनिक और सेकंड था मोटिवेटर्स, ठीक है। अब इसको क्या किया, हाइजेनिक्स में इन्होंने क्या पॉइंट रखे कि बच्चा क्या है, किसी भी कार्य के करने की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। अब किसी भी काम को आप कर रहे हो तो वो क्या है, आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही होगी, आपको एज पर सिचुएशन ही किसी काम को करने दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप अभी किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कि कल मेरे साथ ये वाली सिचुएशन हो जाएगी तो मैं उसमें क्या करूँगा, अगर कल मैं रास्ते पर जा रहा हूँ मेरे साथ एक्सीडेंट हो जाए या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए जहाँ पर मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊँ तो मैं उस सिचुएशन में क्या करूँगा, तो आप पहले से ये सारी चीज़ें क्या है प्री प्लान नहीं कर सकते हो। या आपकी एनवायरनमेंट से इफेक्ट होती हैं, जब आप ऑन द स्पॉट उस सिचुएशन में रहोगे तभी आप उस कंडीशन में सोच पाओगे कि अब मेरे साथ ये घटना घट गई तो अब मैं क्या करूँ, इसको शॉर्ट आउट करूँ, इसको बढ़ाऊँ, इसको कम करूँ, क्या करूँ। तो ये सारी सिचुएशंस क्या हैं, आपकी एनवायरनमेंट से रिलेट होती हैं, जो आपकी हाइजेनिक यानी कि स्वास्थ्य प्रदक इन्होंने बोला था। और उसमें सेकंड चीज़ बोला था सुपरवाइज़र के रूप में, मतलब जो आपका हाइजेनिक है आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेते हो कि किसी कार्य की परिस्थिति के अनुसार आप मोटिवेट होते हो, राइट। दूसरे आप सुपरवाइज़र के रूप में भी मोटिवेट होते हो, आपको कोई सुपरवाइज कर रहा है या आप किसी को सुपरवाइज कर रहे हो तो उसके अंदर क्या करते हो, आपको अपने लिए, मतलब एक होता है ना, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप मतलब टीचर हो, आपको पता है आप टीचर हो, आपको कल को जाके किसी बच्चे को टीच करना है, या मैं आपके सामने खड़ी हूँ यहाँ पे आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, तो मेरा जो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल का ये रहेगा कि मेरा जो आइडल होना चाहिए, एक व्यक्तित्व होना चाहिए, एक इम्प्रेशन होना चाहिए गुड टीचर का, वो कैसा होना चाहिए कि मैं एक प्रॉपर वे में आपसे बात करूं, एक ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए ताकि आपको भी देखने में लगे कि हाँ टीचर है। अब ये तो नहीं है ना यहाँ पे मैं मिनी स्कर्ट में खड़ी हो जाऊं या आपके साथ एब्यूजिंग करके बात करूं, स्मोकिंग करते हुए आपको पढ़ाऊँ, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो सारी चीज़ें अप्रोप्रिएट नहीं हैं उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए जो हमारे फेडरिक जी ने बोला था हाइजेनिक में, उन्होंने यही बोला था कि जो फर्स्ट सिचुएशन है आपकी किसी भी काम के अकॉर्डिंग आप जो काम कर रहे हो वो आपका ऐसा होना चाहिए कि आप ऑन द स्पॉट एक तो ट्राई करोगे, और सेकंड में बोला था कि आप सुपरवाइज़र करोगे खुद को पहले, कि आप उस पोस्ट के लिए उस चीज़ के लिए खुद एक आइडियल हो या नहीं हो। अगर आप टीचर हो तो आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी है, वो एज अ टीचर आप प्रेजेंट कर पा रहे हो या नहीं। ये तो नहीं ना कि आप मिनी स्कर्ट पहनकर आ रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो तो आप टीचर लगोगे ही नहीं। तो इसीलिए पहले आपको खुद का सुपरवाइज करना है, खुद को मोटिवेट करना है कि आप कोई भी काम करो तो पहले खुद को सुपरवाइज करो, देन किसी सामने वाले को सुपरवाइज करो, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट दिया था कि नीति और प्रशासन, मतलब पॉलिसीज, आप कोई भी काम करते हो अपने अकॉर्डिंग या एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, तो आपकी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिसके अकॉर्डिंग क्या है आप मोटिवेट होते हो। पॉलिसीज़ कैसे हो सकती हैं, अब आपको पता है कि 18 साल का बच्चा जैसे वोट डालने लायक हो जाता है कि उसको ये उसका जो कि नीड्स हो जाती है या फिर एक फंडामेंटल राइट है कि आप वोट डाल सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, वो उस रूप में मोटिवेट होगा उस चीज़, वो अपने क्या है और जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, अधिकार हैं, बाकी चीज़ें उनको जानने का इंटरेस्ट लेगा कि और क्या क्या चीज़ें मैं किस किस सिचुएशन में कर सकता हूँ, आपको अपनी पॉलिसीज़ पता होंगी। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे एनवायरनमेंट होता है, सोसाइटी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें हर चीज़ें करनी पड़ती है कि आपको क्या पहनना है, आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए, आपको किस बोलचाल का यूज़ करना है, बाकी चीज़ें, राइट। तो इसीलिए जो इसमें लास्ट पॉइंट बताया, मतलब सेकेंड लास्ट पॉइंट बताया था वो हमारा पॉलिसीज़ का बताया था कि एज़ पर पॉलिसीज़ और नीति और प्रशासन जब हमें मिलते हैं हमारे हाइजेनिक के अंदर, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि जो हमारी पॉलिसीज़ है वैसे ही हमें रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। उसके बाद आती है सुरक्षा,
जब बच्चे को अपनी आगे से सुरक्षा दिखेगी, वो किसी भी रूप में हो सकती है, फैमिली से सुरक्षा, कोई आपातकालीन स्थिति से सुरक्षा कि आपके साथ कोई इमरजेंसी घट रही है या कुछ ऐसी चीज़ें, तो वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे भी आप उसको कम करने के लिए मोटिवेट रहोगे। आप ये तो नहीं सोचोगे ना मेरे साथ दुर्घटना होता है, आप रास्ते में भी जाते हो तो रोड क्रॉस करते टाइम क्या करते हो, ध्यान से पहले दोनों तरफ देखते हो तभी रोड क्रॉस करते हो, क्यों, क्योंकि कोई दुर्घटना ना हो जाए, तो उस चीज़ के लिए आप पहले से मोटिवेट रहते हो। ये तो नहीं ना आपको रोड क्रॉस करनी है, ठीक है रोड चल रही है आप, ठीक है ट्रैफिक के बीच में से निकल गए, क्या है उस कंडीशन में आपको पता है कि वहाँ पर दुर्घटना हो सकती है, आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप उसी काम को क्या है पहले से नहीं करते हो ताकि आप सुरक्षित रहो, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या करोगे, वहां पे उस वे में मोटिवेट रहोगे कि कोई भी काम मुझे ऐसे ही करना है जहाँ पे मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी सुरक्षा भी कर सकूँ, और अगर आपको अपनी नीड्स पता है, सब चीज़ें पता है, तो आप वहाँ पे उस चीज़ के लिए पहले से मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड वाला जो हमारा है, इसमें क्या था, मोटिवेटर्स था। अब मोटिवेटर्स में क्या करते हैं, ओके तो सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो है मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स में क्या पॉइंट लेकर आते हैं कि मान्यता हो गई, उत्तरदायित्व हो गए, फ्रीडम हो गई, ये सारे पॉइंट्स किस में रखे हैं, मोटिवेटर्स में रखे हैं। अगर आपको पहले से ही फ्रीडम दी जाए किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे आप किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेट होते हो। फॉर एग्जांपल लाइक आपके घर से आपको काफ़ी फ्रीडम दी गई है, आपके घर में आपको कभी रोका टाकी नहीं करते किसी भी बात में कि आप क्या खा रहे हो, कैसा पहन रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, तो आप क्या है, आपको अपनी जिम्मेदारियों का एक टाइम पे एहसास होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता रहेंगी, आपको पता होगा कि मॉम डैड मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हैं और मुझे कभी रोकते नहीं हैं किसी भी काम के लिए, और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे दी हुई है, फ्रीडम दी हुई है, तो मैं उनका गलत इस्तेमाल ना करूँ, उनका एक प्रॉपर वे में इस्तेमाल करूं, उस चीज़ को अपने करियर में यूज़ करूं, मोटिवेट रहूं। मैं मान सकती हूँ कि कुछ बच्चे उसको गलत वे में ले जाते हैं कि ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, रात भर भर आउटिंग करते हैं, गलत रास्ते पे निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो आपका मोटिवेटर्स बताया गया है, अगर आपको किसी भी काम के लिए उतनी फ्रीडम दी जाएगी और उतनी स्वतंत्रता दी जाएगी, तो उस काम को आप अच्छे से करोगे। अगर मैं आपके सर पर तलवार लटका के रखूँ कि आपको ये काम करना है करना है करना है, तो आप क्या करोगे, मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं है इसी काम को करने का, मैं क्यों करूँ ज़बरदस्ती, राइट। तो इसीलिए आप वहाँ पर भी क्या है, खुद से मोटिवेट ही नहीं होगी उस काम को करने के लिए। लेकिन जब मैं आपको बिल्कुल फ्री छोड़ दूंगी कि आपके सामने चॉइसेस है, एज यू विश, आपको जो सेलेक्ट करना है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप क्या करोगे कि मैम मुझे ये पसंद है, मुझे ये करना है या मेरा इंटरेस्ट इसमें है, तो उस कंडीशन में आप खुद मोटिवेट रहोगे कि मैंने खुद अपना ये वाली स्किल का चुनाव किया है, तो मुझे इस स्किल को अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से डेवलप करना है या इस फील्ड में बहुत अच्छा करना है। तो ये सारी सिचुएशन क्या आ जाती हैं आपके साथ, कि जब आपके साथ ये सारी कंडीशंस रख दी जाती हैं, लाइक आपको फ्रीडम प्रोवाइड कराई जाती है, या आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, मान्यता रिकॉग्नाइजेशंस होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, पर्सनल ग्रोथ के लिए आप मोटिवेट होते हो, जो आपका सेकंड मोटिवेटर्स है उसके अंदर क्या है, पर्सनल ग्रोथ भी आता है उसमें, क्या है, आप एज अ मोटिवेटर क्या करोगे, अपनी पर्सनल की ग्रोथ करोगे, आपको पता है कि मुझे सेल्फ मोटिवेट रहना है कि क्या करना है किस कंडीशन में, तो वहाँ पे आप सबसे पहला जो आप ध्यान रखोगे वो इस वे में रखोगे कि पहले मैं अपने लिए करूँ। अगर आपको पता है कि कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, कोई MLA है या कहीं का सांसद वगैरह है, तो वो भी क्या करता है, सबसे पहले अपने लिए काम करता है, अपने लिए कार्य करता है, समाज के लिए बाद में करता है, उसको पहले समाज नहीं दिखता, वो सोचता है पहले अपने लिए काम कर लिया जाए, अपनी पेट की पूर्ति कर ली जाए, देन मैं अपने रिलेटिव्स के बारे में सोचूंगा, देन लास्ट में समाज के बारे में सोचूंगा। तो इसीलिए आप भी जब कुछ चीज़ अचीव करते हो या कहीं पर रहते हो, तो आप पहले अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में पहले सोचते हो। अगर आप कोई जॉब भी स्टार्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, ये नहीं कि कलीग आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए तो आप उनके बारे में सोचोगे, पहले आप अपनी पर्सनल ग्रोथ करोगे कि मेरे को मेरी पोस्ट बढ़े, मेरी सैलरी बढ़े और बाकी चीज़ें मिले, अचीवमेंट मिले, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ के अंदर आ जाती है, जिस पर आप पहले ज़्यादा फोकस रहते हो, ठीक है।
तो ये टू टाइप्स में डिवाइड किया था हाइजेनिक मोटिवेशन थ्योरी को. तो इसमें एक हाइजेनिक था, एक मोटिवेटर्स था. इसके सब पॉइंट डिस्कस कर लिए. ये वाली थ्योरी यहीं पे फिनिश होती है, और मोटिवेशन का जो चैप्टर है इसी के साथ यहीं पे फिनिश होता है.